सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन टाइप फैक्ट सीरीज में अभी तक हमने ड्रैगन टाइप और वाटर टाइप पोकेमॉन के फैक्ट्स देख लिए हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं ग्रास टाइप पोकेमॉन के बारे में 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स नए और अमेजिंग होंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर वन के साथ। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है जेन 5 यूनोवा में सबसे ज्यादा ग्रास टाइप पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि थे 21। वहीं पर इसके नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि जेन 6 कैलोस में सबसे कम ग्रास टाइप पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि सिर्फ 9 थे। फैक्ट नंबर टू, जेन 1 कैंटो रीजन में सबसे ज्यादा ग्रास टाइप अटैक को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि 10 थे। वहीं पर सबसे कम ग्रास टाइप अटैक जोटो रीजन और पाल्डिया रीजन में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो कि सिर्फ 3 हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है ऑफिशियली काफी सारे जगह पे ग्रास टाइप पोकेमोन को प्लांट टाइप पोकेमोन कहा गया है, जैसे कि कैंटो रीजन के गेम्स में सेरुलियन जिम गाइड ग्रास टाइप पोकेमोन को प्लांट टाइप पोकेमोन कहता है। पोकेमोन फायर रेड और लीफ ग्रीन के जैपनीज वर्जन में जब आप बल्बसौर को चूज करने वाले होते हो तो प्रोफेसर ओक बल्बसौर को एक प्लांट टाइप पोकेमोन के तरह बताते हैं। यही चीज पोकेमोन रेड ग्रीन एंड ब्लू के इंग्लिश वर्जन में भी हुई थी। इसके अलावा काफी सारे ऐसे डब भी है जहां पर ग्रास टाइप को प्लांट टाइप कहा जाता है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन और टर्किश डब। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है ग्रास टाइप को अभी तक पोकेमोन वर्ल्ड के हर एक 18 टाइपिंग के साथ पेयर करा जा चुका है। फैक्ट नंबर 5, पोकेमोन वर्ल्ड में पोकेमोन काफी सारे अलग अलग मेथड से इवॉल्व होते हैं, जैसे कि कुछ पोकेमोन लेवल अप से इवॉल्व होते हैं, कुछ कोई मूव सीखने के बाद इवॉल्व होते हैं और कुछ आइटम से इवॉल्व होते हैं। इसी तरह से काफी सारे पोकेमोन ऐसे भी हैं जो कि किसी एवोल्यूशन स्टोन से इवॉल्व होते हैं। बट क्या आपको पता है किसी और टाइपिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रास टाइप पोकेमोन ही एवोल्यूशन स्टोन से इवॉल्व होते हैं, जो कि टोटल 12 है। इसके अलावा ग्रास टाइप पोकेमोन सबसे ज्यादा अलग अलग एवोल्यूशन स्टोन से इवॉल्व होने वाली टाइपिंग है, क्योंकि ये पोकेमोन 5 अलग अलग स्टोन से इवॉल्व होते हैं, जो कि लीफ स्टोन, सन स्टोन, वाटर स्टोन, शाइनी स्टोन और फायर स्टोन। फैक्ट नंबर 6, फायर टाइपिंग 3 टाइपिंग से वीक होती है, जो कि है ग्राउंड, रॉक और वाटर टाइप। वहीं पर क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि ग्रास टाइप इन तीनों टाइपिंग पर सुपर इफेक्टिव है, मतलब जिन 3 टाइपिंग से फायर टाइप वीक है उन तीनों टाइपिंग पर ग्रास टाइप सुपर इफेक्टिव है। फैक्ट नंबर 7, पोकेमोन गेम्स में काफी अलग अलग तरह के अटैक्स होते हैं, जैसे कि डैमेज डीलिंग अटैक या फिर नॉन डैमेज डीलिंग अटैक। इसी तरह से कुछ ऐसे अटैक भी है जो कि अपोनेंट पोकेमोन की हेल्थ कम कर देते हैं एंड उसके जगह पे हमारे खुद के पोकेमोन की हेल्थ बढ़ जाती है। ऐसे मूव हर एक टाइपिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पर ग्रास टाइप एक लौती ऐसी टाइपिंग है जिसके पास एक से ज्यादा एचपी ड्रेनिंग मूव है, क्योंकि ग्रास टाइप में 5 एचपी ड्रेनिंग मूव है। फैक्ट नंबर 8, हर एक टाइपिंग किसी ना किसी टाइपिंग से वीक है। कुछ टाइपिंग काफी ज्यादा टाइपिंग से वीक है, वहीं पर कुछ टाइपिंग काफी कम टाइपिंग से वीक है, पर ग्रास और रॉक टाइप टाई करते हैं सबसे ज्यादा टाइपिंग से वीक होने के लिए, क्योंकि ये दोनों टाइपिंग 5 टाइपिंग से वीक है। फैक्ट नंबर 9, पोकेमोन वर्ल्ड में काफी सारे स्टार्टर पोकेमोन इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, बट अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे फर्स्ट स्टेज स्टार्टर पोकेमोन है जो कि डुअल टाइपिंग रखते हैं, जो कि है बल्बसौर और राउलेट। बल्बसौर एक ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमोन है, वहीं पर राउलेट एक ग्रास और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। ये दोनों ही ग्रास टाइप पोकेमोन है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने नोटिस किया है कि हर एक ग्रास टाइप का फाइनल स्टेज स्टार्टर पोकेमोन एक एक्सटिंक्ट एनिमल को रिसेम्बल करता है, जैसे कि विनोसॉर एक डाइकाइनोडोंट की तरह दिखता है, मैगानियम एक सॉरोपॉड की तरह दिखती है, सेप्टाइल एक डाइलोफोसॉरस को रिसेम्बल करता है, टॉर्टेरा एक एंकिलोसॉरस को रिसेम्बल करता है, सरपीरियर एक टाइटनोबोआ पर बेस्ड हो सकता है, वहीं पर चेस्टनॉट एक ग्लिप्टोडोंट की तरह दिखता है, डेसिडुआ एक स्टील टाउल पर बेस्ड है, वहीं पर रिलाबूम एक जायगेंटोपिथेकस पर बेस्ड है। तो हाँ, ये सारे के सारे पोकेमोन एक ऐसे एनिमल की तरह दिखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड से खत्म हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जेन 1 कैंटो रीजन के गेम्स में कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जिसके पास एक विनोसॉर हो, यानी कि अगर आप बल्बसौर को अपने स्टार्टर की तरह नहीं चुनते तो आपके पॉकेटेक्स में विनोसॉर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है जेन 7 अलोला से पहले सबसे कम बेस स्टैट रखने वाला पोकेमोन एक ग्रास टाइप पोकेमोन ही था, जो कि था सनकन। इसके बेस स्टैट सिर्फ और सिर्फ 180 है, जो कि काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा सनकन के पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन पैदा नहीं होते बल्कि आसमान से गिर जाते हैं, जिसके बाद वो बैटलिंग करके इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इलॉजिकल है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन सेप्टाइल एक लौता ऐसा स्टार्टर पोकेमोन है जिसके पास मेगा इवॉल्व होने के बाद एक टाइपिंग ऐड हो जाती है, क्योंकि सेप्टाइल बेस फॉर्म में ग्रास टाइप का होता है पर मेगा इवॉल्व होने के बाद वो ग्रास और ड्रैगन टाइप का हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, कर्टाना एक ग्रास और स्टील टाइप का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है जेन 7 अलोला से। ये पोकेमोन ह्यूमन स्पीच यानी कि इंसानों के लैंग्वेज में बात कर सकता है, पर इससे भी ज्यादा यूनिक और वियर्ड चीज ये है कि ये रिवर्स में बात करता है, जिस वजह से इसके बात को समझना काफी मुश्किल हो जाता है।
फैक्ट नंबर 15, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पोकेमोन की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनका लेवल भी बढ़ता जाता है, जिससे वो इवॉल्व हो जाते हैं। अपने फर्स्ट एज में वो यंग होते हैं। पर पोकेमोन के एपिसोड ट्रीसा क्राउड में हमें ट्रीको का एक ग्रुप देखने को मिलता है जो कि एक फर्स्ट एज पोकेमोन है, बट वहां पर हमें एक ओल्ड ट्रीको देखने को मिलता है जो कि इवॉल्व भी नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 16, कर्टाना एक ग्रास और स्टील टाइप का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है जिसके अटैक स्टैट्स 181 है, जो कि काफी ज्यादा है। इसी वजह से कर्टाना नॉन मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमोन में सबसे ज्यादा अटैक स्टैट्स रखने वाला पोकेमोन बन जाता है। कर्टाना के डिफेंस स्टैट भी 131 है, जिससे ये फेराथॉन के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट रखने वाला ग्रास टाइप पोकेमोन बन जाता है। इसके अलावा कर्टाना अब तक का सबसे हल्का ग्रास टाइप पोकेमोन भी है। फैक्ट नंबर 17, ग्रास टाइप एक काफी ज्यादा पॉपुलर टाइपिंग है, बट इसके बाद भी क्या आपको पता है सबसे पहला ग्रास टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन हमें सीधा जेन 5 यूनोवा में देखने को मिला था, जो कि था ग्रास और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन विरिजियन। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है सबसे पहला मिथिकल पोकेमोन जिसको किसी ट्रेनर ने कैच किया था वो ग्रास टाइप का ही था, जो कि था सेलेबी। सेलेबी एक ग्रास और साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमोन है। इसको पोकेमोन की मूवी सेलेबी द वॉइस ऑफ फॉरेस्ट में एक कैरेक्टर ने इसको डार्क बॉल का यूज करके कैच कर लिया था, जिसके बाद सेलेबी एविल हो जाती है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है विनसोर केनसोगीमोरी जो कि पोकेमोन के डिजाइनर है उनके कुछ फेवरेट पोकेमोन में से एक है, पर विनसोर को डिजाइन करते वक्त उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि इसकी डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और फाइनली फैक्ट नंबर 20, पोकेमोन गेम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे फास्ट पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन रेजिलेकी। वहीं पर सेकंड सबसे फास्ट पोकेमोन है स्पीड फॉर्म डिओक्सियस, बट एनीमे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेजिलेकी के बाद सेकंड सबसे फास्ट पोकेमोन सेप्टाइल है, क्योंकि एश के सेप्टाइल ने पोकेमोन एनीमे के अंदर पोकेमोन वर्ल्ड के सेकंड सबसे फास्ट पोकेमोन स्पीड फॉर्म डिओक्सियस को पकड़ लिया था। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।